ही क्रिकेट कुछ लिए पूछ कर रहा है क्योंकि हम लोग का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था और हमारे पास ये सब प्लेटफॉर्म नहीं था खेल पास, बट क्या हुआ कि जैसे हमें प्लेटफॉर्म मिलता गया हमें 2017 से प्लेटफॉर्म खेलते थे, लेकिन हमारे लिए जो एसोसिएशन जो बनी आज के लेवल पे, तो हमारे लिए एक्चुअल में हुआ क्या था, बहुत काराशाही चल रही। अभी 2019 में जो इंग्लैंड में जो वर्ल्ड सीरीज जो जीत गया इंडिया की, उसमें ऐसा हुआ कि बीसीसीआई ने कहा कि भाई हम तुमको एफिलेटेड करेंगे, एफिलेशन हम तुमको देंगे, बट तुम्हें 11 करोड़ पहले एक होना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर 4 एसोसिएशन काम करते हैं। तो बीसीसीआई ने कहा कि भाई एक हो जाओ, उस टाइम तो एक हो गए तो इंग्लैंड ने वर्ल्ड सीरीज जीत के भी आ गए थे, बट यह है कि मतलब उनमें कुछ आपसी कुछ सहमति नहीं बनी और अलग अलग जगह। तो बीसीसीआई ने हमारे लिए कमेटी बनाई कि फ्रेंडली एबल क्रिकेट कमेटी, तो उस कमेटी के अंडर में बीसीसीआई ने कहा कि भाई आपके लिए काउंसिल बनाई जाए जिस काउंसिल का नाम है बीसीसीआई, जो आप पढ़ने का भी देख रहे हो डिफरेंट लेवल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्या है कि हम लोगों को जो एफिलेशन जो मिला है वो बीसीसीआई भी मिला है, हम काउंसिल के अंडर हम खेल रहे हैं जिसमें हमारा 60% हमारा काम हो चुका है। तो अभी एजीएम हुई थी अहमदाबाद में और 14 अप्रैल को एजीएम हुई थी, तो उसमें ये डिसीजन दिया गया भाई अब स्टेट में सबको एफिलेशन मिलेगा और सारी कागजी कार्रवाई आपको पूरी करनी पड़ेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपको कमेटियाँ बनानी पड़ेगी और वो कागज हमें सबमिट कर देंगे, उसके बाद हमें एप्लीकेशन पूरा मिल जाएगा और स्टेट बॉडी है हमारे पास जो बीसीसीआई की रन हो रही है वहाँ से भी हमको एप्लीकेशन मिलेगा, क्योंकि आसाम से फुल्ली एप्लीकेशन मिल चुका है और आसाम से जो वहाँ पे जो मीटिंग अटेंड करने जो गए थे उनको बीसीसीआई ने पैसा दिया था फ्लाइट पे, उन्होंने बीसीसीआई दिया था। तो हम लोग भी बोर्ड में हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, एज वेल एज हम क्रिकेट भी खेल ही रहे हैं और साथ हम लोग पार्ट टाइम भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और पढ़ाई भी मेरा बहुत चल ही रहा है एल एल